बागेश्वर में भी उत्तरायणी मेला आयोजन को लेकर नगर पालिका ने सरयू नदी में पैदल पुलों का निर्माण शुरू कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि पूर्व की भांति इस बार भी उत्तरायणी मेले को भव्य व आकर्षक बनाया जा रहा है। पेश है सीसीएन न्यूज की एक रिपोर्ट। जी, उत्तरायणी मेला 2022 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि नगर में हमने जो अस्थायी पुल बनते हैं उनके टेंडर लगा के उसका निर्माण कार्य भी हो चुका है और साफ सफाई का भी चल रहा है और रंग पुताई जो होनी है नगर क्षेत्र में मेला क्षेत्र में वो सब भी चल रहा है। उसके टेंडर भी हो चुके हैं और हमारे कार्य भी हो चुके हैं, चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी बहुत जल्द हम नुमाइश खेत का लेआउट और प्रदर्शनी कैसे बनेंगी, उनके प्रदर्शनी स्टॉल जो बनने हैं उसका भी टेंडर हमारा हो चुका है। और साथ ही हमारी बैठक में तय हुआ था कि इस बार हम भोजन व्यवस्था का जो है सिर्फ लंच पैक झांकी के दिन के लिए करेंगे, वो भी हो चुका है। और साथ ही इसके साथ साथ लाइट टेंट और ये सब का टेंडर भी हो चुका है जिनकी तैयारी चल रही है। और मैं समझता हूँ कि हम मेले की तैयारी हमारी जोर शोर से हो रही हैं और समय से हो जाएंगी और सबके सहयोग की अपेक्षा भी करता हूँ। इस बार जो आप देख रहे होंगे कि बागनाथ मंदिर के पास एक नया गार्डर पुल बन चुका है जिससे कि आने जाने में बहुत सुविधा रहेगी और उसका जो लिंक था वहाँ बागनाथ मंदिर की तरफ उसका भी कार्य चल रहा है और वो भी यथाशीघ्र पूरा हो जाएगा। तो इससे जो है अभी सभी मेलार्थियों को बहुत लाभ मिलने वाला है क्योंकि जो है एक तो नदी में हम जो दो अस्थायी पुल बनाते थे वहाँ पर अब हम एक ही अस्थायी बना रहे हैं, तो एक हमारा जाने का हो जाएगा, एक आने का हो जाएगा और इससे जो है लोगों को लाभ भी मिलेगा और सुविधा भी रहेगी। और साथ ही जो अभी हमारे जो दुकान आवंटन होते हैं, जो भुटिया मार्केट में दुकानें लगती हैं या नुमाइश खेत में दुकानें लगती हैं या जो अन्य मेला क्षेत्र है वहाँ पर दुकान लगती है, उनके लिए भी हमारे पास एप्लीकेशन आने लग गए हैं। और क्योंकि व्यापारी लोग जो है पहले से अपनी दुकानें बुक कर लेते हैं तो दुकानें भी बुक होने लग गई हैं और बहुत जल्द इसके लिए आवंटन के लिए भी हमने विज्ञप्ति जारी कर दी है और इसका आवंटन जो है 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में दुकान आवंटन हो जाएगा, उसके पास सभी मेलार्थी अपनी दुकानें लगा पाएंगे। जी बिल्कुल, हमने लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेला एक हम लोगों का आकर्षण केंद्र है क्योंकि यह मेला हमारा बहुत पुराना मेला है, वह ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक हर प्रकार का मेला है। और इस मेला जो मेला क्षेत्र है वो बाजार का ही जो नुमाइश खेत एरिया है और सरयू बगड़ वाला एरिया है यही हमारा जो मेला क्षेत्र रहता है। तो हम जो नुमाइश खेत जो मुख्य आकर्षण केंद्र रहता है वहाँ पर जो सरकारी प्रदर्शनी लगती हैं और झूले चरखे लगते हैं और दुकानें सस्ती हैं और सांस्कृतिक मंच लगता है, तो हमने प्रयास किया था कि हम नुमाइश खेत में किस प्रकार करें। तो हमने, आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पर ग्रीन मैट बिछाई जिससे कि सभी मेलार्थियों को और दुकान वालों को सबको जो है धूल से जो है निजात मिली। तो हम वो कार्य इस बार भी करेंगे और सांस्कृतिक मंच को भी हमने भव्य बनाने का प्रयास किया है लगातार और सुंदर बनाने का प्रयास किया है जिसमें हमारी लाइटिंग है और हमने LED स्क्रीन लगाने का काम किया था और साउंड सर्विस को हमने बेहतर किया था, तो वो सब भी हो रहा है। और साथ में जो प्रदर्शनी पहले से बनती थी, सिंपल प्रदर्शनी बनती थी, अब हम बढ़िया उनको अच्छे थीम के साथ बना रहे हैं। उसमें स्टॉल जो बन रहे हैं वो अपने पंडाल की स्टाइल में बन रहे हैं, वो भी अच्छा काम हो रहा है। और साथ ही अभी जो आप बता रहे थे कि नया कुछ करने के लिए, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ और नया दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं।